गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या। जनसंख्या में अपन ने तीन प्रमुख जो कारक हैं वो पढ़े थे। इसमें जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन में प्रक्रिया और जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। आज अपन उनका वर्णन पढ़ेंगे। और सबसे पहला है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। अब जनसंख्या के आकार और वितरण में अपन क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जनसंख्या कहीं पे अधिक जो एक कारक इसको प्रभावित करते हैं। वो कारकों में मैंने तुम्हें बताया गया था कि धरातल का स्वरूप अपन ने पहले भी पढ़ा था, कल भी परसों भी, तो उसमें जनसंख्या का आकार और वितरण किस प्रकार से प्रभावित होता है, वहाँ की जलवायु दशाएं, वहाँ की धरातलीय स्वरूप, ये सारी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं जनसंख्या को। अब कहीं पर जनसंख्या अधिक रहती है और कहीं पर जनसंख्या कम रहती है। वितरण से यही मतलब है कि भारत के, जैसे भारत के संदर्भ में पढ़े अपन, तो भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है, किन किन क्षेत्रों में यह अधिक निवास करती है और किस में कम निवास करती है, ये इसमें पढ़ेंगे अपन। तो भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण है। इसमें 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 2011 में 121 करोड़, ठीक है, 2011 में 121 करोड़ जनसंख्या है लगभग। तो अब ये कितने भूभाग क्षेत्र पर रहती है, जो विश्व की जनसंख्या का कुल लगभग 17% है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये 121 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख, भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 32.8 किलोमीटर, ठीक है। जो विश्व का स्थलीय भूभाग कितना है, 2.4% है विश्व का, ठीक है। इतने भूभाग पर 121 करोड़ लोग रहते हैं। अब ये असमान रूप से वितरित है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां 1990 लाख लोग वहां रहते हैं। जो कुल आबादी, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, लगभग 16% मान लो, 16% जनसंख्या का निवास करती है उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। अब तुम्हें याद रखना है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में और सबसे कम सिक्किम में सिर्फ 6 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, 6 लाख लोग रहते हैं। और इसके अलावा है लक्षद्वीप की केवल 64,429 लोग निवास करते हैं लक्षद्वीप में। अगर द्वीप समूह की बात करें अपन, तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में, ये 5 राज्य कौन से हैं, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की और सबसे कम सिक्किम की। लेकिन लगभग 50% जनसंख्या 5 राज्यों में निवास करती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तुम्हें याद रहने चाहिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश।
अब सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन पांच राज्यों में लगभग देश की कुल जनसंख्या का 50% लेने में निवास करता है। अब देखो ये तो जनसंख्या पढ़ ली अपन ने, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। और अगर अपन द्वीपों की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। उसके अलावा 2011 के आंकड़े पढ़ रहे हैं अपन, 2011 के अनुसार लगभग आधी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में निवास करती है, पांच राज्यों में। ठीक है, अब सबसे, अब ये पांच राज्य अपन ने अधिक जनसंख्या वाले पढ़ लिए, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ये याद रखने हैं आपको, नोट कर लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है वो। ठीक है, राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है, जिसमें भारत की जनसंख्या का 5.5% निवास करती है जनसंख्या। ठीक है, अब इसके बाद में है घनत्व के आधार पे जनसंख्या का वितरण, ये अपन ने पढ़ ही लिया। अब है घनत्व, जनसंख्या के वितरण में अपन ने पढ़ा है, ये चार पांच चीजें आपको याद रखनी है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में पाई जाती है। उसके अलावा भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? लगभग 121 करोड़ है, जो कि विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है भारत की जनसंख्या। ठीक है, अधिकतम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसमें 5.5% जनसंख्या निवास, मतलब भारत की जनसंख्या का 5% निवास करता है। अब पांच राज्यों में लगभग आधी जनसंख्या रहती है, 50% जनसंख्या पांच राज्यों में रहती है, वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश, ये तुम्हें याद रखने हैं। इसके बाद में ये जनसंख्या का था वितरण, कि किन किन क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या निवास करती है, यह तो वितरण पढ़ लिया। अब आगे है जनसंख्या का घनत्व, घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण, घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण। अब घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व है समान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। घनत्व किसे कहेंगे? जनसंख्या का घनत्व प्रति इकाई, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को वहां का जनसंख्या का घनत्व कहेंगे। अब यह देखो प्रति वर्ग किलोमीटर, जैसे अब भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं? 382 लोग, ऐसे मापा जाता है घनत्व को। अब देखो 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, यह 2011 के आंकड़े पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनगणना हमेशा 10 साल में होती है ना, तो अपन जो
बिहार आपको याद रखना है सबसे अधिक मानक वाला राज्य है बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या तो पाई जाती थी उत्तर प्रदेश में कंफ्यूजन होना बिहार में कितना है जनघनत्व 1104 या 1102 व्यक्ति दो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ठीक है ना। अब सबसे कम घनत्व यह तो था सबसे अधिक और सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना है जनसंख्या का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहां पर सिर्फ 17 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या का घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि कहीं पे जनघनत्व अधिक पाया जाता है। अपन ने ये दो पॉइंट पढ़े हैं जनसंख्या का आकार और वितरण में मैंने बता दिया कि असमान रूप से जनसंख्या का वितरण है भारत में उसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। उसके बाद पांच राज्यों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है लगभग 50% जनसंख्या पांच राज्यों में है वो कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण घनत्व किसे कहते हैं प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहा जाता है ठीक है। यह 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार और सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। बिहार में 102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं सॉरी 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं और सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश जिसमें सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। अब इसमें देखो आगे है आपकी बुक में 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। अब इसमें आएगा जो पर्वतीय क्षेत्र अब इसमें एक बार आपको जनसंख्या का घनत्व और वितरण में भी दोनों में ही है ये कि पर्वतीय क्षेत्र और जो पठारी क्षेत्र हैं या रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या का घनत्व और वितरण दोनों ही कम पाए जाते हैं जबकि जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जनसंख्या का घनत्व और वितरण दोनों ही अधिक पाए जाते हैं। ऐसा है अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है प्रायद्वीपीय राज्यों का जो दक्षिणी भाग है पहाड़ी कटे-पटे एवं पथरीले भूभाग मध्यम से कम वर्षा वाले छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अपने जो मैदानी क्षेत्र ये भौगोलिक भाग पढ़े थे ना इसमें तो उत्तर भारत के मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व और वितरण दोनों ही अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तर भारत के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले तीन राज्यों के नाम बताइए। अब जनसंख्या घनत्व वाले तीन राज्य देखो ये बता दिए इसमें सबसे अधिक घनत्व है बिहार में उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल ये तीन राज्यों के नाम आप लिख सकते हो इनमें घनत्व तो केरल है यह तो दक्षिण का आ जाएगा ठीक है। अब यह आज अपन ने दो पॉइंटों का वर्णन किया है जिसमें है जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या घनत्व ठीक है। अब जनसंख्या के वितरण में आपको याद रखने हैं 2011 के अनुसार हर 10 साल में जनगणना होती है जनसंख्या की ये कारक कौन से प्रभावित इन दोनों को ही कारक को सेम जो भौगोलिक कारक हैं जलवायु कारक हैं सांस्कृतिक सामाजिक कारक हैं वो सारे प्रभावित करते हैं इसके वितरण और घनत्व ठीक है। उसके बाद में जनसंख्या के आकार और वितरण में सबसे अधिक टोटल भारत की जनसंख्या कितनी है 121 करोड़ 2011
2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है, इसमें जनसंख्या विश्व की कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, यहाँ 2.4% भाग में इतनी अधिक जनसंख्या रहती है। चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है जनसंख्या में, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला वितरण में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। उसके बाद है जो पांच राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश, इनमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है, लगभग पूरे भारत की आधी जनसंख्या इन पांच राज्यों में रहती है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है, सबसे छोटा है गोवा क्षेत्रफल में। और उसके बाद घनत्व की अगर बात करें तो घनत्व किसे कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को घनत्व कहते हैं। अब सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार, जिसमें 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्रों में घनत्व कम पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। इसके बाद है यह जनसंख्या वितरण और घनत्व असमान रूप से वितरित क्यों है, तो इसके वही कारक हैं, भौगोलिक कारक, जलवायु कारक, सांस्कृतिक और सामाजिक धार्मिक कारक। अब भौगोलिक कारकों में जहाँ भूभाग समतल है वहाँ जनसंख्या का वितरण और घनत्व दोनों ही अधिक पाए जाते हैं, और जहाँ पहाड़ी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण और घनत्व दोनों ही कम पाए जाते हैं, या मरुस्थलीय क्षेत्र में भी जनसंख्या का घनत्व और वितरण कम पाया जाता है। अब अपन आगे कल पढ़ेंगे, ये याद कर लो।